लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच शिवाजी पार्क को बुक करने की हो क्यों है हाई डिमांड। देश में जल्द लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, लेकिन किसी भी चुनाव को जीतने के लिए जनता से सीधे तौर पर जुड़ना सबसे जरूरी होता है। इसके लिए पार्टियां बड़े पैमाने पर चुनावी रैलियों और सभाओं का आयोजन करते हैं। ऐसे में चुनावी रैलियों के लिए मुंबई का लोकप्रिय शिवाजी पार्क राजनीतिक दलों की पहली पसंद रहा है। मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क में आमतौर पर चुनावी रैलियों का आयोजन होता है। हाल ही में 17 मार्च को राहुल गांधी की एक रैली का आयोजन भी यहां किया गया था। राजनीतिक दलों में शिवाजी पार्क की डिमांड इस कदर है कि चुनावी रैलियों के लिए इसकी बुकिंग साल की शुरुआत से शुरू हो गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना ने 12 अक्टूबर को होने वाली दशहरा रैली के लिए पहले से ही आवेदन कर दिया है। दशहरा रैली का आयोजन शिवाजी पार्क में किया जाना है। बीएमसी के जरिए होती है शिवाजी पार्क की बुकिंग। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों में शिवाजी पार्क की डिमांड बहुत अधिक है। अप्रैल और मई में यहां रैलियों के आयोजन के लिए सभी बड़ी पार्टियों ने बुकिंग के लिए बीएमसी के समक्ष आवेदन कर दिया है। मुंबई में 20 मई को होने वाले मतदान के चुनावी प्रचार प्रसार के आखिरी दिन से पहले 17 मई को चुनावी रैली करने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की मनसे ने आवेदन किए हैं। दोनों पार्टियों ने 17 मई को शिवाजी पार्क में चुनावी रैली करने के लिए आवेदन किया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी, एपी और मनसे ने शिवाजी पार्क में चुनावी रैलियों के आयोजन के लिए आवेदन किए हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 16 अप्रैल, 19 अप्रैल और 21 अप्रैल, 3 मई, 5 मई और 7 मई के लिए शिवाजी पार्क के बुकिंग के लिए आवेदन किया है। एनसीपी अजीत पवार ने 22 अप्रैल, 24 अप्रैल और 27 अप्रैल को चुनावी रैली के लिए आवेदन दिया है। वहीं बीजेपी ने 23 अप्रैल, 26 अप्रैल और 28 अप्रैल के लिए बुकिंग की है। कांग्रेस ने 17 मार्च को खत्म हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मौके पर शिवाजी पार्क में मेगा रैली का आयोजन किया था और पार्टी जल्द ही यहां और रैलियां करने के लिए आवेदन करने जा रही है। वहीं शरद पवार के गुट वाली एनसीपी का भी आवेदन करना बाकी है। क्या है पूरी प्रक्रिया? बीएमसी शिवाजी पार्क में चुनावी रैलियां करने के लिए तारीखों के आवंटन से पहले इन सभी आवेदनों को शहरी विकास विभाग और चुनाव आयोग को भेजेगा। उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना किसान सर संजय राउत ने कहा कि राजनीतिक दलों को पूरी स्वतंत्रता है कि वे जहां चाहें वहां रैलियां कर सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेगी। कोई भी रैली कर सकता है। हम महाराष्ट्र में 48 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमने सबसे पहले शिवाजी पार्क के लिए आवेदन दिया था। शिवाजी पार्क में राजनीतिक रैलियां करने की परंपरा रही है। जो कोई भी के लिए आवेदन करता है उन्हें मंजूरी जरूर मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने 2022 में बीकेसी में और 2023 में आजाद मैदान में दशहरा रैलियां की थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे की गुटवाली शिवसेना की उस शिवाजी पार्क में दशहरा रैली हुई थी। ऐसे में लगता है कि इस बार एकनाथ शिंदे गुट ने शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने के लिए इस साल की शुरुआत में ही आवेदन दे दिया था। शिवाजी पार्क की क्यों है हाई डिमांड? शिवाजी पार्क देश के कई प्रमुख चुनावी ग्राउंड में से एक है। कहा जाता है कि शिवाजी पार्क से दिए जाने वाले सियासी संदेश की गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई देती है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों में यहां चुनावी रैलियों के आयोजन के लिए होड़ लगी रहती है। इसके लिए कई महीनों पहले से राजनीतिक दल बुकिंग करना शुरू कर देते हैं।